नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। देखिए, संजीवनी नर्सिंग होम में एक लोकल लड़का है जिसके द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी और उसमें लगातार अभी छापेमारी चल रही है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, लड़के की आइडेंटिफिकेशन हुई है, उसके अलावा भी अगर कोई उसके साथ इन्वॉल्व है तो उसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है और सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर इस तरह की कोई भी घटना किसी भी डॉक्टर्स के साथ, ये लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि डॉक्टर्स जो हैं बड़े टफ परिस्थिति में काम करते हैं और इस तरह की कोई भी घटना यदि कोई करता है जो कि कानून के खिलाफ है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो सवाल है सर, पहले वो हथियार लहराता है फिर शाम में आकर फायरिंग करता है, सर तो इतना कार्रवाई में लेट हुई कितने, क्या चूक? उसको हम लोग देखेंगे अभी कहाँ किस अफसर से चूक हुई है और अगर ससमय कार्रवाई नहीं हुई है तो अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ये मैसेज स्पष्ट है कि किसी तरह की लापरवाही या किसी तरह की इस तरह की कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस समय तमंचा लहराया गया उसके बाद संभवतः चेकिंग या इस तरह की कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए थी। मैं अभी देखता हूँ कि क्या कार्रवाई की गई थी क्या नहीं, वो मैं भी अभी देखूँगा। अभी मैं थाने जाऊँगा यहाँ से तो उस बात की जांच मैं खुद करूँगा। जिस शख्स का नाम आ रहा सर, पहले से भी आपराधिक इतिहास रहे सर, कई घटनाएँ, वो अभी मैंने भी रिकॉर्ड नहीं देखा है, मैं एक बार देख कर ही आपको बता पाऊँगा इस संबंध में। डॉक्टर्स का यही कहना है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं, जो भी करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसकी अरेस्टिंग की जाए ताकि आगे मैसेज जाए लोगों में कि ये चीज़ें जो डॉक्टर्स लगातार फेस कर रहे हैं और इस तरह की अगर कोई घटना करता है तो वो उचित नहीं है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस करेगी। किस कंडीशन में लोग अनशन समाप्त करेंगे, कुछ बताएं? अनशन ये लोग अभी समाप्त कर रहे हैं, सभी लोग काम पे लौट रहे हैं और हम लोग भी अपने काम पे लगे हुए हैं, हम लोग भी अरेस्टिंग का प्रयास कर रहे हैं। अभी सीनियर एसपी साहब का भी फोन आया था और रूरल एसपी भी आए थे और उन्होंने बताया कि अभी तक दो लोग को अरेस्ट कर चुके हैं और उस पर दबिश दिए हुए हैं, हम 2-3 घंटे के अंदर वो भी जो मेन कंप्लीट है उसको भी अरेस्ट कर लेंगे और उनके आग्रह पर हम लोग अभी फिलहाल धरना बंद कर दिए हैं, क्या कि यहाँ भी मरीज भर्ती हैं उनको दिक्कत हो रही है और नर्सिंग होम में भर्ती है वहाँ भी दिक्कत हो रही है, तो मरीजों को हित देते हुए देखते हुए हम लोग धरना ख़त्म करने का अनाउंस करें। लगातार हमले हो रहे हैं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, सरकार के पास मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बिल आज 3-5 साल से लंबित है, बहुत आसान चीज़ था उन लोग करना, इसलिए कि देश के 19 राज्य में लागू हैं, आपका तो बहुत छोटा राज्य है, बड़े बड़े राज्य में महाराष्ट्र है, यूपी है, बंगाल है, उड़ीसा है, हर जगह लागू है, आपको क्या तकलीफ है हमको नहीं समझ में आती है। अरे आप लागू कीजिए, डॉक्टरों को अपने सुरक्षा की भावना पैदा हो तब तो कार्य कर पाएंगे। अरे हम लोग तो कुछ जिनका सरकारी चिकित्सालय है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ भी डॉक्टर मार खाते हैं जबकि उनको बहुत प्रोटेक्शन है, सरकारी काम में बाधा सेक्शन है, क्या क्या बहुत सारे हैं। मैं तो ये जो बात सामने आ रही है यहाँ तक तो ठीक है लेकिन नहीं लागू हो रही है, सरकार हर बार दावे वादे करते रह रही है, संभव अभी तक नहीं हो पाया बहुत, जबकि कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इस मेडिकल प्रोटेक्शन की तो बहुत बड़ी कहानी है, प्रवर समिति होता है विधानसभा का, आप सुने होंगे, जिसमें हर पार्टी के विधायक रहते हैं उस कमेटी में, हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर सब लोग रहते हैं और उसमें हम लोग को पहला बार हम लोग गए थे, निमंत्रण दिया गया, बात किए हैं और उसको अच्छा से बना लिए हैं कि मरीजों उस देखिए ये डॉक्टर प्रोटेक्शन ही नहीं, मरीजों का प्रोटेक्शन का भी है, इसमें मरीजों के बहुत सुविधा का हम लोग ख्याल रखते हुए बिल बना है, उसको सरकार नहीं पास कर रही है, पता नहीं क्या सोच। पेंशन समाप्त हुआ है ये नहीं है, चूँकि अभी आरक्षी अधीक्षक महोदय आए और उन्होंने बताया कि इस नर्सिंग होम के आगे स्टैटिक पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स दिया गया है, दूसरा कि जो संबंधित व्यक्ति है, जो आरोपित है और नामित है, उस व्यक्ति के घर से लोगों को हिरासत में लिया गया है और आरोपित पर दबिश दी जा रही है। हम ये बात को समझते हुए कि कुछ कार्रवाई अब होने लगी है इस दिशा में, इस बात को हम लोग मान लिए कि अभी फ़िलहाल हम लोग इस धरना को रोक रहे हैं, हम पब्लिक चाहते हैं कि वह आदमी जल्द से जल्द गिरफ़्तार हो और यदि गिरफ़्तारी नहीं होगा
तो पुनः IMA धनबाद इस पर विचार करेगा और फिर से हम नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर से कार्रवाई करेगा। हेलो सर, अरे सर रुक जा भैया, सर हम लोग का मेन कंटेंशन इसी बात पर है, मतलब ले लगे दोबारा हथियार बंद आदमी मोटरसाइकिल से चला आ रहा है और यहाँ उतर काम इधर उधर निकल गया, तो काम भी निकल गया, है तो सीरियस ही ना, क्योंकि हथियार लेके आया अगर आया है तो आप लोग कुछ जितना जल्दी हो सकता है उतना ही DSP का नंबर जरूर रखिए। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।